नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा दरअसल एक ऐसी हीरोइन का है जिसे हीरोइन एक हीरोइन नहीं बनाया था। हम बात कर रहे हैं रीना रॉय की, जिन्हें सुपर स्टारडम का जो स्वाद है वो खुद किसी और ने नहीं बल्कि नरगिस ने चखाया। दरअसल नरगिस की खोज रीना रॉय थी, और जब सभी हीरोइंस ने फिल्म ठुकरा दी, फिर नरगिस ने अपना ऐसा दिमाग लगाया कि एक झटके में रीना रॉय स्टार बन गई। और ये किस्सा खुद रीना रॉय ने हाल के दिनों में सुनाया है। हाल ही में कपिल शर्मा शो में रीना रॉय पहुंची थी, और जब उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछा गया, उनके फिल्मी सफ़र के बारे में पूछा गया, फिल्मी सफ़र की शुरुआत के बारे में पूछा गया, तो रीना रॉय ने बताया कि उन्हें स्टार बनाने का श्रेय मशहूर एक्ट्रेस और संजय दत्त की मां नरगिस को जाता है। नरगिस ने ही उन्हें फिल्म नागिन में कास्ट किया था, और इस फिल्म के बाद से ही रीना रॉय के करियर की चाल बिल्कुल बदल गई। साल 1976 में आई फिल्म नागिन रीना रॉय के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई, और इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। रीना रॉय बताती हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर सड़क पर खेल रही थी, तभी वहां से नरगिस की गाड़ी गुजरती है और उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, और उन्होंने एक व्यक्ति को मेरे पास डिटेल लेने के लिए भेजा कि पता करो वो लड़की है कौन, उसके बारे में जरा जानकारी निकालो। उन्होंने कहा कि जो लड़की सबसे तेज भाग रही थी उसे नागिन फिल्म में कास्ट कर लो। और इसके बाद एक इंसान मेरे पास आया और फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म को लेकर मेरी माँ ने मुझे एक बार चेताया कि देख लो, सोच समझकर साइन करना, अभी तुम छोटी हो, पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ लिख रही हो अभी, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी से अगर फिल्मों में जाना है तो उसकी शुरुआत अभी से कर दी जाए। लेकिन रीना रॉय खैर नहीं मानी, और उन्होंने लड़ झगड़ के किसी तरीके से अपने घर वालों को इस ऑफर के लिए मनाया कि वो स्वीकार करें। नागिन फिल्म पहले आशा पारेख और रेखा जैसी दिग्गज एक्ट्रेस को ऑफर की गई, जिसके बाद उन्होंने इसे करने से मना कर दिया, और उसके बाद फिर रीना रॉय ने इस फिल्म को साइन किया। रीना रॉय कहती हैं कि जब रेखा और आशा पारेख जैसी बड़ी एक्ट्रेस उस दौर की, जब उन्होंने इस किरदार को निभाने से मना किया, तो मैंने इस फिल्म को साइन कर लिया, और ये मेरे करियर की एक तरीके से चाल ही बदल गई, और इसका सारा श्रेय किसी और को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नरगिस जी को जाता है। रीना रॉय ने महज 15 साल की उम्र में बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया था। 108 से ज़्यादा फिल्में करने के बाद रीना रॉय साल 2000 में आखिरी बार फिल्म रिफ्यूजी में नज़र आई थी, और उसके बाद एक शो आता था इना मीना डीका करके टेलीविज़न पर, उसमें भी रीना रॉय दिखी। रीना रॉय का फिल्मी सफ़र जितना उतार चढ़ाव भरा रहा, उतना ही उनकी निजी ज़िंदगी में भी भूचाल नजर आया। शत्रुघ्न सिन्हा से मोहब्बत, और फिर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी, पाकिस्तान में बसना और फिर हिंदुस्तान आने का संघर्ष, अपनी बेटी को बुलाने का संघर्ष, अपनी बेटी को लाने का संघर्ष, इन सब के बावजूद आज रीना रॉय एक सफल अदाकारा हैं। उनकी पहचान एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर है जिसने अपनी शर्तों पर इंडस्ट्री में राज किया, और नागिन जिसका श्रेय नरगिस जी को जाता है, उन्हीं की खोज रीना रॉय, और रीना रॉय आज तक इस एहसान को कभी भूली नहीं है। जब कभी गाहे बगाहे ये मौका उन्हें मिलता है, तो वो इस बात का जिक्र करना नहीं भूलती कि उन्हें रीना रॉय बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद नरगिस थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।